हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज है 9 जून 2022। मार्केट के अंदर आज बहुत ही शानदार एक रिकवरी देखने को मिला, जहां पे आज ओपनिंग तो थोड़ा बहुत गैप डाउन में हुआ था, बट क्लोजिंग भी आज निफ्टी 0.74% ऊपर जाके एकदम बॉटम से लेके टॉप तक अगर हम कैलकुलेट करें आज तो लगभग 1.39% की पॉजिटिव हमें मूवमेंट देखने को मिला निफ्टी के अंदर। तो आज अगर हम बात करें, ज़्यादातर शेयर पॉजिटिव में क्लोजिंग गया, चाहे वो बड़े कंपनी हो, चाहे वो मीडियोकर कंपनी हो, चाहे छोटे कंपनी हो। एक दो शेयर हमें थोड़ा गिरावट भी देखने को मिला, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसा मार्केट लीडर शेयर जिसके अंदर आज भारी भरकम गिरावट देखने को मिला, वो भी निफ्टी 50 में आने वाला शेयर है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा शेयर है और इस गिरावट के पीछे रीज़न क्या है, क्या आपको यहाँ पे बाई करना सही रहेगा या नहीं। तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, मैं लिस्ट में जो सबसे पहला कंपनी है, ये निफ्टी 50 में आने वाला एक बेहतरीन कंपनी है, जिसके अंदर आज लगभग 4% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिला। जहाँ पे निफ्टी का जो मूवमेंट आज के दिन पे सीधा ऊपर की तरफ था, वही देखिए इसका जो मूवमेंट एकदम सीधा साफ यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को मिला। शुरू देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट में हुआ था, उसके बाद देखिए जैसे ही निफ्टी का मूवमेंट ऊपर की तरफ गया, ये जो शेयर है इसका मूवमेंट एकदम नीचे की तरफ गया। आज लगभग 4% डाउन हमें इस शेयर के अंदर देखने को मिला। तो कंपनी का नाम सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, ये कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, टाटा ग्रुप का बहुत पुराना कंपनी है, लगभग 150 साल के आसपास पुराना टाटा स्टील के मैं बात कर रहे हैं, जो कि कुछ दिन पहले हमने देखा था कंपनी का रिजल्ट आउट हुआ था, साथ में भारी भरकम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया था कंपनी ने। लास्ट एक महीने पे शेयर के अंदर काफ़ी अच्छा खासा गिरावट हो चुका है। इसके पहले भी हमने देखा था शेयर लगभग 1000 के आसपास पहुंच गया था, बट 1000 रुपये का लेवल ब्रेक नहीं किया, उसी पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट मिला और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ हमें रिकवरी भी देखने को मिला। बस 2 हफ्ते के भीतर लगभग 8.5% का रिकवर हो चुका था। अनफॉर्चुनेटली आज के दिन पे फिर से हमें गिरावट देखने को मिला टाटा स्टील की शेयर के अंदर। अब ये गिरावट के पीछे दोस्तों कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, नॉर्मल है, क्योंकि अगर हम बात करें गिरावट तो देखिए टाटा स्टील के अंदर अगर गिरावट हुआ, अगर पूरा यहाँ पे जो मेटल सेक्टर है उसके अंदर होना चाहिए था, बट हाँ पूरा मेटल सेक्टर के अंदर हमें गिरावट देखने को नहीं मिला, थोड़ा बहुत गिरावट हुआ है। जैसे कि JSW को आप देख लीजिए, थोड़ा बहुत गिरा, सेल को आप देख लीजिए, थोड़ा बहुत गिरा। तो कोई बहुत बड़ा गिरावट हमें JSW या सेल के या दूसरे जो भी कंपनी है, ठीक है, मेटल सेक्टर को उतना ज़्यादा गिरावट हमें देखने को नहीं मिला। बट इसके साथ साथ एक अच्छा न्यूज़ भी है टाटा स्टील की शेयर होल्डर के लिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये अपडेट देता हूँ, उसके बाद हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत करेंगे कि आपका फॉरवर्ड स्ट्रेटजी हो सकता है। तो एक छोटा सा कंपनी है, कंपनी का नाम है TRF शेयर फ्रीज एट 5% अपर सर्किट। तो ये एक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, आफ्टर टाटा स्टील इन्वेस्टेड 165 करोड़। तो टाटा स्टील ने TRF कंपनी के अंदर लगभग 165 करोड़ का इन्वेस्ट किया, उसके साथ साथ कुछ हद तक यहाँ पे स्टेक भी खरीदा, मतलब जो परसेंटेज ऑफ यहाँ पे स्टेक है वो भी खरीदा। तो बेसिकली यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट का पर्पस कुछ अलग है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी TRF शेयर प्राइस वॉज लॉक्ड इन अ 5% अपर सर्किट विद द टाटा स्टील। आफ्टर टाटा स्टील द प्रोमोटर इन्वेस्टेड 165 करोड़ इन द कंपनी फॉर इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की पर्पस ही दोस्तों ये जो इन्वेस्ट किया, मतलब काम के लिए आप बोल सकते हो, कंपनी बिजनेस एक्सपैंड के लिए। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे लगभग यहाँ पे जो स्टेक खरीदने की यहाँ पे बात हुआ, लगभग 16.5 करोड़ के थ्रू लगभग 12.17% का जो स्टेक है वो एक्वायर किया है, और बाकी जो पैसे यहाँ पे जो कि काम के लिए, मतलब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ही यहाँ पे लिया है ये TRF कंपनी ने। तो रेफिनरी दोस्तों एक बहुत बढ़िया अपडेट है, टाटा स्टील धीरे धीरे अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा है। और एक अपडेट मैं आपको छोटा सा अपडेट दे देता हूँ, वो उसके लिए मैं आपको NSE की वेबसाइट के ऊपर लेकर चलूँगा, उसके बाद हम सीधा यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे क्या फॉरवर्ड स्ट्रेटजी हो सकता है। जो कि कुछ दिन पहले भी हमने देखा था टाटा स्टील ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया, तो इस बार तो भारी भरकम डिविडेंड अनाउंस हुआ था, लगभग 51 रुपीज़ पर शेयर का, जिसका एक्स डेट दोस्तों बहुत नज़दीक आ चुका है। आज तो ऑलमोस्ट 9 जून हो चुका है, तो आपके पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप अगर कल खरीद ले तो डेफिनेटली दोस्तों आपको टाटा स्टील का ये जो 51 रुपये का डिविडेंड आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आपके सामने ओपन है 6 महीने का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, जो कि कुछ दिन पहले भी हमने देखा था एकदम शार्प गिरावट हुआ था। देखिए ज़्यादा पुराने बात नहीं, लगभग 2 महीने के भीतर भीतर ही शेयर लगभग यहाँ पे 1360-70 के आसपास से गिरते गिरते करीबन 1000 तक पहुँच गया था, इतना भारी भरकम गिरावट हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट फेस किया जो कि 1000 रुपये के लेवल पे, उसके बाद फिर से हमें रिकवरी देखने को मिला था बस कुछ दिन के लिए, फिर से आज के दिन पे हमें गिरावट देखने को मिला टाटा स्टील के अंदर। अब नीचे की तरफ दोस्तों जो पहले सपोर्ट लेवल था वो लेवल था लगभग 1100 के आसपास, इस लेवल को देखिए, इसके पहले जो सपोर्ट लेवल था 1100 के आसपास, जिस वजह से देखा एक बार जो 1100 रुपये का लेवल ये ब्रेक हो गया, जिस वजह से देखिए शेयर के अंदर जब
तेजी हुआ और यहाँ पे 1100 रुपए का जो पुराना सपोर्ट पॉइंट था वही आज के दिन पे टाटा स्टील के लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, इवन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ है टाटा स्टील के लिए। क्योंकि इसके पहले देखिए शेयर के अंदर जब बार बार गिरा था, चाहे वो मार्केट गिरावट के कारण, चाहे वो हो गया आपका नॉर्मल वॉर स्टार्ट हुआ था उस टाइम के कारण, तो देखिए लगातार यहाँ पे 1100 के आसपास इसको सपोर्ट मिला था। तो बेसिकली टाटा स्टील के अंदर जो नॉर्मल गिरावट हुआ है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला उसका जो पुराना सपोर्ट पॉइंट या आज की डेट पे जो रेजिस्टेंस पॉइंट उसके ऊपर। तो टाटा स्टील के अंदर अगर हम नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करें तो लास्ट टाइम जहाँ पे सपोर्ट मिला था 1000 के आसपास सपोर्ट है। बट यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कुछ कंडीशन दूंगा, इसके ऊपर बेस करके आप बाई करना, ध्यान से सुनना। सबसे पहला कंडीशन कि ये मेटल सेक्टर है, बहुत ही रिस्की कंपनी है, तो इन्वेस्ट करना है या आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना है तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे इग्नोर करना बेटर होगा। क्योंकि देखिए कंपनी थोड़ा यहाँ पे वॉलेटाइल भी है, आज की डेट पे जो मार्केट का कंडीशन है बिल्कुल ही सही नहीं है। तो आपको अगर थोड़ा रिस्क लेना है, आप अगर रिस्क लेने के लिए यहाँ पे आप चाहते हो तो उस केस में यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बाकी दोस्तों आप खुद प्रॉपर एनालाइज करने के बाद ही इन्वेस्ट करना। तो दोस्तों पहले वाला कंपनी तो हमने देख लिया, बहुत शानदार इवन मार्केट लीडर कंपनी है, जिसके अंदर आज लगभग 4% के ऊपर हमें गिरावट देखने को मिला। अभी हम बात करेंगे दूसरा कंपनी, बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, समझ आया, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने में। तो दूसरा जो कंपनी है इसका शेयर प्राइस उतना महंगा नहीं है और फ्यूचर की पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी लगातार इन्वेस्ट भी कर रहा है, लगातार 3% के आसपास इसके अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिला। वेदांता लिमिटेड कंपनी का नाम है, जो कि आज देख सकते हो मार्केट जहाँ पे ऊपर की तरफ शार्प रैली हुआ था इसके अंदर हमें एकदम डाउन नीचे की तरफ हमें रैली देखने को मिला था। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें लास्ट एक महीने पे देखिए शेयर के अंदर काफ़ी अच्छे से रिकवर हुआ था, फिर देखिए पहले वाला शेयर की तरह ही इसके अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिला। तो सेम टू सेम चीज़ मैं बोलूँगा तो इसके गिरावट के पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नॉर्मली हमें गिरावट देखने को मिला, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। ये जो पर्टिकुलर लेवल है वो है 320 का लेवल, यहाँ पे आप देखिए ये जो लेवल है यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ही हमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। साथ साथ मैं आपको ये भी बोलूँगा जो कि पहले वाला कंपनी के केस में बताया था कि ये जो सारे मेटल सेक्टर कंपनी है बहुत ही रिस्की कंपनी है, रिस्की इसलिए चाहे वो कुछ भी वॉर हो गया, ट्रेड वेयर हो गया, या कुछ भी सरकार ने कुछ टैक्स ऐड कर दिया, सबसे ज़्यादा यहाँ पे पिटने वाला सेक्टर होता है मेटल सेक्टर, जिस वजह से दोस्तों आपको ध्यान में होना चाहिए ये सब चीज़, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना है। जिस वजह से देखिए ये शेयर का जो मूवमेंट है कितना वॉलेटाइल आपको देखने को मिला। कुछ दिन पहले अपडेट भी आया था कि सेमी कंडक्टर चिप के ऊपर लगभग 20,000 करोड़ के ऊपर कंपनी इन्वेस्ट भी करेगा, तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है। बट हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा यहाँ पे वेट भी करना पड़ेगा। पहले वाला शेयर भी देखिए टाटा स्टील के अंदर कितना ज़्यादा वॉलेटाइल, देखिए मार्केट लीडर कंपनी है उसके जो शेयर का मूवमेंट देखिए इतना वॉलेटाइल, तो आप सोच सकते हो कि इस पर्टिकुलर सेक्टर का जो दूसरा मीडियोकर कंपनी या स्मॉल कंपनी का क्या हाल होगा। तो जिस वजह से मैं आपको बार बार अलर्ट कर रहा हूँ कि इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क में कीजिए और थोड़ा सा यहाँ पे खुद एनालाइज करने के बाद ही करना। तो चलिए अभी थोड़ा सा हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कहाँ पे आपको बाई सेल करना चाहिए। सबसे पहले बात हमने देखा था शेयर के अंदर पहले वाला कंपनी की तरह ही देखे, ये शेयर 425 पे चल रहा था, उसके बाद कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट किया एंड शेयर के अंदर सीधा गिरावट हुआ, वो थोड़ा एडजस्टमेंट भी हुआ। नीचे की तरफ जो लेवल कुछ दिन पहले हमें सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया, जो कि लगभग निकल कर नंबर ऑलमोस्ट यहाँ पे 260-270 के आसपास, उसके बाद देखें शेयर के अंदर बहुत शानदार रिकवर हुआ था, 325 तक इवन शेयर पहुँच गया था। और यहाँ पे देखिए उसका जो पुराना सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल मतलब यहाँ पे देखिए पहले वाला जब गिरावट हुआ था देखिए यहाँ पे सपोर्ट मिला था, तो वही जो पुराना सपोर्ट लेवल था वही आज के दिन पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ है वेदांता के लिए, जिस वजह से दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस करने के बाद आज हमें गिरावट देखने को मिला। बट अच्छी बात यह है कि आज 300 रुपये के नीचे नहीं गया, 300 रुपये के ऊपर ही क्लोजिंग दिया। तो देखिए अगर आपको इन्वेस्ट करने में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिस्की कंपनी है और उसके साथ साथ जो रिस्की सेक्टर है, सॉरी कंपनी रिस्की नहीं है, सेक्टर बहुत ज़्यादा रिस्की है, जिस वजह से आगे पीछे 10 बार सोचिए उसके बाद ही इन्वेस्ट करना। तो वीडियो के भी माइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लेट टेक का बाय, जय हिंद।